नाम सचिन कुमार है। मैं स्किल हिंदुस्तान में फोर्थ बैच का स्टूडेंट हूं और मैं आज आपको डीजी के कुछ पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ये हमारा ईसीपी होता है, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल। यहां से हम अपने डीजी को कंट्रोल करते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। इसके बाद ये हमारा यहां पर ये एयर फिल्टर आ जाता है। ये हमारा अल्टरनेटर होता है और इससे हम आगे चलेंगे यहाँ पर इधर। ये हमारा फ्यूल फिल्टर होता है, वाटर सेपरेटर है। ये एक सिंगल वाटर सेपरेटर है, इसमें एक फ्यूल फिल्टर है। और ये हमारा सेल्फ स्टार्टर होता है यहाँ पे। ये हमारा पीटी पंप, ये क्या है सर? ये वाली ये सोलेनोइड कॉइल बोलते हैं सर इसे। और ये हमारा पीटी पंप होता है। और इसके बाद ये हमारा रेडिएटर होता है। क्या करता है सर पीटी पंप? क्या करता है पीटी पंप? सर हमारा जो है फ्यूल, उससे फ्यूल को जो है अपनी एक मिनिमम सप्लाई से आगे भेजने का काम करता है प्रेशर के साथ। फिर और बताओ, और क्या क्या चीज़ें हैं? तेल कहाँ से नापते हैं? और बाकी चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई इसमें, और बताओ बाकी। इसमें जो हमारा लूब ऑयल होता है सर, उससे हम ये यहाँ से इसका गेज नापते हैं। काफ़ी बड़ा है, यहाँ से हम इसको अपना नापते हैं। इसमें ये हमारा रेडिएटर होता है और ये जो हमारे इंजन कूलेंट को ठंडा करने का काम करता है। और ये हमारा रेडिएटर फैन होता है और बाकी पार्ट्स इसके उधर पल्ली तरफ लगे होते हैं। ये क्या है? ये कैसे काम? ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप बटन होता है। जब हमारा डीजल, हम इसे इमरजेंसी में यहाँ से डीजल स्टॉप कर सकते हैं। लगा हुआ है। ये पता भी नहीं चलता है कि लगा हुआ है या नहीं। घूमो थोड़ा सा, घुमा देना इसे, खुल जाता है। कई साइडों में ऐसे होते हैं। क्या चीज लगी हुई है? ये क्या चीज है? इसको बंद करने के लिए सर हमारा स्टॉप सोलेनोइड है। स्टॉप सोलेनोइड, ये वाला स्टॉप सोलेनोइड है।